हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 39 तक। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारे पास क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x, और ये क्या है, कॉस 2x और ये dx। देखिए, इसमें इस फंक्शन के इक्वल लाना है। पिछला वीडियो देखिए जा करके, आपको समझ में आ जाएगा इक्वल लाने के लिए ये क्या हम कंडीशन करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना लेट किसको मानेंगे, साइन 2x को, टी बराबर साइन 2x मान लिया, टी बराबर साइन 2x। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन में dx, और ये साइन का क्या हो जाएगा, cos x। तो cos x, x की जगह पे 2x है, फिर चैन रूल लगाते हैं तो 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, x का कितना हो जाता है 1। ये आपको पढ़ाया गया डिफरेंशिएशन में। अगर इससे पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिफरेंशिएशन का सर्च करें जा करके, बेसिक से सारे वीडियो पहले देखिए। तो देखिए लाना क्या, dx cos 2x, तो dx को उधर भेज दीजिए, 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो dt अपॉन 2 ये कितना है, cos 2x, और ये dx का मल्टीप्लाई उधर कर दिया क्रॉस, ठीक। तो देखिए cos 2x dx, cos 2x dx किसके इक्वल है, dt बाई 2 के। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, साइन 2x को क्या माना हम लोगों ने, t, तो यहाँ पे रख दिया t, और ये किसके इक्वल आ गया, dt बाई 2 के आ गया यहाँ पे। तो 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट का 1/2, और ये dt। बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो जब समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ऑलरेडी है, t की पावर n+1, तो 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 + c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो 1/2 कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2, यहां पर भी 3/2 + c आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 ऊपर जाएगा, या 2 यहीं से काट दीजिए, बात समझ में आई, 2 यहीं पे काट दिया हमने, 2 ऊपर ले जाओगे या ऐसे यहीं पे काट देते हैं। तो क्या निकल के आया, 3 है हमारे पास, तो 1/3, 1/3 टी का मान क्या माना था, साइन 2x, क्या माना था, साइन 2x, और पावर कितना है, 3/2 + c। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/3 साइन 2x की पावर 3/2 + c। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। चलिए लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिख रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 + sin x, और ये dx दे रखा है। क्या दे रखा है, cos x dx अपॉन में अंडर रूट 1 + sin x दे रखा है। अब किसके इक्वल लाना है, इस वाले फंक्शन के इक्वल लाना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे t बराबर क्या मान लिया, माना t बराबर 1 + sin x, मान लिया t बराबर 1 + sin x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dt अपॉन में dx, 1 का डिफ्रेंशिएट 0, और साइन का क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट cos x। लाना क्या है, cos x dx, तो dx का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो dt बराबर आ गया cos x, और ये dx। यहाँ तक बात समझ में आई, चलिए रख देते हैं वैल्यू जा करके, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। ये किसके फंक्शन इक्वल आया, यहाँ पे आ गया dt, और ये इसको क्या माना था, t, तो अंडर रूट क्या हो गया, t हो गया। क्लियर है। अब ये प्लस का पावर है तो ऊपर जाएगा, माइनस का 1/2, और ये dt, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करिए समाकलन करने पर। जब समाकलन करेंगे, इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो 1/2 + 1, माइनस का 1/2 + 1, और माइनस का 1/2 + 1, और प्लस क्या हो जाएगा, c, जहाँ c क्या है, समाकलन नियतांक है। तो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 2 × 2, माइनस करेंगे 1, तो 1/2 अपॉन में 1/2 + c। तो 2 ऊपर ले जाइए, t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है, 1 + sin x, t बराबर क्या माना था, 1 + sin x, तो 1 +
साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है इस क्वेश्चन में आपको? अब देखिए इसका मतलब अगर और सॉल्व करना है तो इसका 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, यहाँ पर भी आंसर सही था, अगर और सॉल्व करना आगे तो साइन एक्स प्लस सी, ये भी आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास कह रहा कॉट एक्स, अच्छा क्वेश्चन है, कॉट एक्स और लॉग साइन एक्स और ये डीएक्स, क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स और ये डीएक्स। अब यहां पे हम क्या करें, अब यहां पे हम क्या करें, किसके इक्वल लाना है, कॉट एक्स और डीएक्स के इक्वल लाना है, किसके लाना है, कॉट एक्स और डीएक्स के लाना है। तो देखिए यहां पे आ जाएगा, अगर पूरा फंक्शन को हम मान लें, मान लेते हैं यहां पे टी बराबर लॉग साइन एक्स, क्या मान लिया, टी बराबर लॉग साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, एक्स की जगह पे क्या रखा है साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं ना आप सही से। अब देखिए साइन का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस एक्स, चैन रूल लगेगा, अब एक्स का क्या हो जाएगा 1 to 1 हमें दिखाना नहीं है, तो ये आ गया डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स, लेकिन यहाँ पे कॉट एक्स है और डी एक्स भी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो डी टी बराबर क्या आ जाएगा कॉट एक्स और ये डी एक्स आ गया, कॉट एक्स और ये डी एक्स। अब जा करके वैल्यू रख दीजिए, जा करके कहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट वाले में यहाँ पे पुट कीजिए, ये किसके इक्वल आया, ये आ गया डी टी के, और ये क्या माना हमने टी और ये डी टी। अब समाकलन करिए, जब समाकलन करेंगे तो पावर यहाँ पे कुछ नहीं 1 ही तो है, जब समाकलेंगे तो टी की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस सी, तो टी की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस सी, एक्स की पावर एन प्लस वन वाला फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे, टी का मान क्या हम लोगों ने माना था लॉग साइन एक्स बटे में 2, यहाँ पे स्क्वायर है प्लस सी, जहाँ सी क्या है समाकलन नियतांक है, यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आप सॉल्व कर सकते हैं एज इट इज है, 1 + cos x को माने t साइन एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 31 की तरफ। 31 भी सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप लगा सकते हैं, 31 भी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अब 31 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं लग रहा है 31 तो आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज, अभी लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करते हैं 32, कुछ आप भी अपने मन से करें, क्योंकि सारे काम हम कर देंगे तो आपकी एक्यूरेसी फिर खराब हो जाएगी ना, आपको एक्यूरेसी आपकी बढ़ानी है। तो देखिए यहाँ पे 1 अपॉन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, 1 + cot x और ये डी एक्स, 1 अपॉन 1 + cot x dx, 32 नंबर देखिए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एज्यूम करते हैं, क्या करेंगे कुछ एज्यूम करेंगे, एज्यूम क्या करेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है, क्या एज्यूम करेंगे देखिए सॉल्यूशन में, अभी आप एज्यूम करेंगे क्या एज्यूम करना है हमें सॉल्यूशन में। देखिए अब ये कॉट एक्स है, क्या दे रखा है 1 + cot x, तो क्या कॉट एक्स को हम लोग 1 + यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स नहीं लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे कॉट एक्स का यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लिया, एलसीएम ले लिया तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया साइन एक्स और यहाँ पे साइन एक्स और ये प्लस कॉस एक्स और ये क्या है डी एक्स, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एलसीएम है तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब एक चीज़ और बताएं, क्या कंडीशन हमें यहाँ कुछ बनानी है, तो कंडीशन बनाने के लिए क्या करेंगे, अंश व हर में क्या 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यहाँ, बोलो कर सकते हैं, तो लिखिए ऑन मल्टीप्लाइंग 2
न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर अंशवाहर में दो से गुणा करने पर, तो जब दो से गुणा करोगे तो कुछ इस तरह बनेगा 1/2, यहाँ पे 2 sin x और ये dx सही है, और यहाँ पे क्या है sin x और प्लस cos x। देखिए अंशवाहर में दो से गुणा किया, कैंसिल कर देंगे, क्वेश्चन फिर अपनी कंडीशन में पहुँच जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब sin x जैसे 2 sin x है, कितना है 2 sin x। अब एक चीज़ यहाँ पे बताएं, सपोज दैट हमने लिख दिया 2x लिख दिया, तो आप x प्लस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए x प्लस एक्स लिख सकते हैं, बात समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करें, जो 2 sin x है इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/2, 2 sin x है तो इसको हम ऐसे लिख दें sin x प्लस sin x और ये dx अपॉन में sin x और प्लस क्या है cos x। लिख दिया हमने साइन एक्स टू साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया। अब एक चीज़ बताएं, कोई फंक्शन अगर हमारे पास दे रखा है, सपोज दैट ये दे रखा है x प्लस एक्स दे रखा है, क्या इसमें y माइनस का और y प्लस का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल, क्वेश्चन अपनी कंडीशन में आ जाएगा, तो जो भी करेंगे सेम करेंगे, तो माइनस प्लस कर दिया, y किया तो माइनस एक प्लस कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम cos x को जोड़ने व घटाने पर, एडिंग एंड सबटे जोड़ने व घटाने पर, cos x को जब जोड़ने और घटाओगे तो यहाँ पे sin x है और प्लस क्या कर दें cos x और प्लस यहाँ पे क्या है sin x और माइनस cos x, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं बताइए। dx अपॉन में कितना है sin x प्लस cos x, ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए। देखिए cos x कैंसिल कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्यों किया गया, अब यहाँ पे क्यों आ रहा होगा आपके दिमाग में, तो क्यों का मतलब है क्वेश्चन में सॉल्व करना, क्वेश्चन को क्या करना हमें सॉल्व करना, सॉल्व मतलब इसको ले आओ यहाँ पे अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में, अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बात समझ में, प्लस यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स, बोलो यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि नहीं, अलग अलग कर लिया पार्ट में। देखिए अब ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे क्या है साइन एक्स, एक काम करें डी एक्स का मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर देते हैं, 1/2 ऐसे ही बाहर रखते हैं, डी एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, ठीक 1 और ये डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करिए, इंटीग्रेशन क्या बोलो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स, क्लियर हो गया। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया इसमें इंटीग्रेशन का और डी एक्स का। अब एक चीज़ बताएं यहाँ पे 1/2 आप ऐसे ही रखें, 1 का कितना हो जाता है एक्स, इंटीग्रेशन में 1 का क्या हो जाता है एक्स, अब इसके इक्वल मानेंगे ऊपर तो आ जाएगा कि नहीं, देखो साइन का डिफ्रेंशिएट यहाँ पे ऐसे तो करोगे, माना टी बराबर साइन एक्स और ये कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी टी अपॉन में डी एक्स, साइन का हो जाता है कॉस एक्स और कॉस का हो जाता है माइनस का साइन एक्स, सॉरी साइन का हो जाता है कॉस एक्स, कॉस का हो जाता है माइनस का साइन एक्स, यही तो हो जाता है हमारे पास माइनस का साइन एक्स। अब एक काम करें, लाना क्या है साइन एक्स और ये माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस बाहर ले लीजिए, तो डी टी माइनस इधर ले लीजिए आप, जिससे इजी हो जाएगा, तो यहाँ इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डी एक्स का मल्टीप्लाई उधर करा दिया, बात समझ में कैसे हमने किया, ठीक। अब यहाँ पे करिए, रखिए जा करके, तो यहाँ पे रखेंगे क्या, इसको माना है टी और ये कितना निकला है माइनस का डी टी, तो ये माइनस का डी टी अपॉन में टी, क्लियर है, तो ये आ गया 1/2 एक्स तो हो गया था इसका, इंटीग्रेशन अभी लगाइए यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन करना है हमको, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा लॉग मॉड टी और प्लस सी का, ठीक। तो ये आ गया 1/2 यहाँ पे एक्स माइनस लॉग मॉड टी, टी की जगह पे क्या रखेंगे, जो टी का वैल्यू हमारे पास माना था हम लोगों ने, क्या माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमने माना था, क्या माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को माना था टी, तो यहाँ पे रख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये क्या आ जाएगा प्लस सी, जहाँ सी क्या है समाकलन नियतांक है, आंसर आ गया 1/2 एक्स माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 एज इट इज़ है, आप ही सॉल्व कर सकते हैं, सेम इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं अलग से है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, साइन कॉस जो भी आप माइनस करें, यही इसी टाइप का सेम क्वेश्चन निकल के आएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 34 की तरफ। देखिए अगर नहीं आ रहा है आपको तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि वैसे ही सेम है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, टेन एक्स और ये डी एक्स अपॉन यहाँ पे साइन एक्स और ये कॉस एक्स, क्या दे रखा है, साइन एक्स और ये कॉस एक्स। अब क्या करें, यहाँ पे कुछ दिमाग आप लगाएं, क्योंकि हमें कंडीशन क्या बनाना है, टेन के फॉर्म में दिया है, किसके फॉर्म में दिया है, टेन के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन बनाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब टेन मानेंगे तो से क्योंकि इसके इक्वल तो ला नहीं सकते, ला सकते हैं, नहीं ला सकते, तो अब एक काम करें, अंश बाहर में अगर कॉस से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर चला जाएगा, सेक हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स, अंश बाहर में कॉस एक्स से गुणा करने पर, जब गुणा करोगे तो अंडर रूट टेन एक्स है हमारे पास, यहाँ पे क्या है डी एक्स है, जब अंश बाहर में कहाँ गुणा करेंगे, इस वाले पार्ट में, कहाँ पे, इस वाले पार्ट में, देखिए कॉस एक्स के यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई और यहाँ पे कॉस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा कॉस एक्स और ये क्या डी एक्स ऑलरेडी है, देखिए कॉस कॉस जो भी करेंगे बराबर कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, अंडर रूट यहाँ पे क्या आ गया टेन एक्स, अब बताइए कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या है कॉस एक्स और ये डी एक्स, यहाँ पे क्या है देखिए साइन और ये कॉस क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा कॉट एक्स, तो यहाँ पे हम रख दें कॉट एक्स, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको, क्लियर है, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, या फिर कॉस यहाँ पे ले आइए अपॉन में इसके, तो जब अपॉन में लेकर आएंगे तो ये इस तरह बनेगा, देखिए साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ये अपॉन में आ गए ना, देखिए आप यहाँ पे अंश बाहर में गुणा कर रहे हैं तो ये पहले यहाँ पे भी तो यहीं तो होगा तभी तो ऊपर गया हम ले गए, तो यहाँ पे इसके अपॉन में आ गया और यहाँ पे क्या है कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, बात समझ में, अब ये क्या कर देंगे कॉस हटा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सॉल्व करिए इसको आगे भी, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए कह रहे हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स और ये डी एक्स, अब कॉस ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू सेक स्क्वायर एक्स और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा सॉरी साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स, ये बात समझ में है कि नहीं। अब यहीं पे आपको एक ट्रिक पकड़ना है, कौन सी ट्रिक पकड़ना है ध्यान से देखिए, क्या ट्रिक पकड़ना है, किसके इक्वल लाना है हमको, अगर इस वाले पार्ट के इक्वल लाना है, किस वाले पार्ट के, इस वाले पार्ट के। अब एक चीज़ और बताएं हमें, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अंडर रूट टू अपॉन में टू हो तो इसको वन अपॉन अंडर रूट टू लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो पढ़ा है कि नहीं, अंडर रूट टू अपॉन में टू हो तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, तो अंडर रूट देखिए ये सेम है तो इसको हम यह क्या यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, वन अपॉन अंडर रूट टेन एक्स और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, ठीक। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, इसको क्या माना है, इसके इक्वल आना है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, देखो अब इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पे मान लो माना टी बराबर टेन एक्स, अब डिफ्रेंशिएट करिए तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये डी टी अपॉन में डी एक्स, टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो डी टी बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, देखिए आ गया इक्वल सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के, यहाँ पे रख दीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स को, यहाँ पे वन अपॉन इसका वैल्यू क्या है टी माना है टेन को और ये किसके इक्वल आ गया डी टी के, तो ये पावर प्लस की है तो ऊपर जाएगा माइनस में, क्योंकि अपॉन में तो होता नहीं इंटीग्रेशन, होगा अपॉन में तो तुरंत उसको ऊपर ले जाएंगे, बात समझ में, टी की पावर माइनस वन बाई टू है। अब क्या करेंगे इसका समाकलन कर देंगे, जब समाकलन करेंगे तो टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन में माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी की पावर वन बाई टू और यहाँ पर भी वन बाई टू प्लस सी, बात समझ में, अब ये टू ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया टू और टी का मान रख दीजिए, टी का मान क्या माना हम लोगों ने टेन एक्स, तो यहाँ पर रखिए टेन एक्स की पावर वन बाई टू प्लस सी, तो यहाँ पे टू इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात समझ में आई, क्या आंसर आ गया
टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 भी आप लगा सकते हैं, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 वैसे पिछले ही तरीके से है, लॉग एक्स वन प्लस लॉग एक्स को टी मान लीजिए, वन अपॉन एक्स क्या आ जाएगा। ठीक है, लगाइएगा, अगर ना आए तो आप हमको बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज का सेम है इसलिए आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एक्स प्लस वन और ब्रेकेट में क्या दे रखा है, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है एक्स, और ये क्या दे रखा है डी एक्स। क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन और ब्रेकेट में एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन में क्या है एक्स दे रखा है। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आई। ठीक, अब क्या बताएं यहाँ पे किसके इक्वल लाना है। अब यहाँ पे क्या बताया जाए, किसके इक्वल लाना है ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। किसके इक्वल लाना है, यहाँ पे x प्लस वन भी दे रखा है आपका और वहाँ पर भी वो फंक्शन दे रखा है, तो इसमें इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे बोले। अगर x को अलग अलग फॉर्म में कर लें तो बात हो सकता है बन जाए, हो सकता है बात बन जाए। कैसे, अगर इस वाले नहीं अगर वो चीज़ करना चाहें तो एक चीज़ और करें, थोड़ा हम भी दिमाग लगा रहे हैं, इसका ट्रिक बताते हैं शॉर्ट, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करते हैं। अगर मान लें एक्स, मान लें टी बराबर, मान लें टी बराबर एक्स प्लस लॉग एक्स को मान लेते हैं टी, मान लिया, इसका डिफ्रेंशिएट करिए। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये निकल आया डी टी अपॉन में डी एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा वन, और वन इसका लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, तो डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर ये कितना निकल आएगा वन प्लस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स। दे क्या रखा है, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स और ये डी एक्स दे रखा है ना। तो अब आ सकती है, आ सकता है इक्वल कि नहीं, तो डी एक्स का से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी टी बराबर निकल आया वन प्लस एक्स लिखें या एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स और ये डी एक्स लिख दिया हमने। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए जा करके, वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स और डी एक्स क्या निकला इसके इक्वल, डी टी निकला, तो यहाँ पे रखा डी टी और इसको क्या माना था हम लोगों ने बोलो टी, तो स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया। नहीं समझ में आया, बोलो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे जब इसका, टी की पावर थ्री अपॉन में थ्री प्लस सी, और टी का मान कितना है बोलो, एक्स प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन में क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा सी, यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए किसके इक्वल लाना है, फिर वही कंडीशन, एक्स क्यूब वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एक्स और ये डी एक्स, तो क्या मान लें यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स। इजी क्वेश्चन है, मान लेते हैं टी बराबर टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर मान लिया टी, डिफ्रेंशिएट इसका करिए, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर फोर है तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर होता है ना, यहाँ पर फोर है तो एक्स पावर फोर का स्क्वायर, फिर चैन रूल लगाएंगे फोर एक्स की पावर थ्री एन एक्स की पावर एन माइनस वन, लाना किसके इक्वल है वन प्लस एक्स की पावर एट, तो ये डी टी अपॉन में डी एक्स है, तो ये वन अपॉन एक्स की पावर, ये पावर मल्टीप्लाई होती है तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा एट, और यहाँ पे एक्स क्यूब लाना है, फोर का जरूरत नहीं तो फोर यहाँ पे लाइए, डी एक्स कहाँ पे ले गए, ये देखिए गन बन बनी कंडीशन, एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट, रख दीजिए जाके कहाँ पे इस वाले फंक्शन में, इसको क्या माना था, सॉरी ये क्या निकल के आया डी टी बाई फोर, तो इंटीग्रेशन डी टी बाई फोर, और इस फंक्शन को क्या माना है यहाँ पे साइन, और यहाँ पे इसको क्या माना था टी, तो वन बाई फोर कॉन्स्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया साइन टी और ये डी टी। हम जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस होता है, तो माइनस कॉस टी प्लस सी, तो माइनस का वन अपॉन फोर कॉस टी, टी का वैल्यू कितना है बोलो, माना था यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था इसीलिए जल्दी बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में प्लीज़ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।